लोकसभा चुनाव की बिसात बच चुकी है। हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मोहरे तलाशने में जुटी हुई हैं। लोगों की रायशुमारी भी जानने के लिए वो कोशिश कर रही है और हम भी जनता का मूड किस लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, किस तरफ जनता का मूड हो सकता है ये जानने के लिए आज पहुंचे हैं कोटा। कभी औद्योगिक नगरी आज शिक्षा नगरी कहने लगी है, कहे जाने लगी है। देश भर के छात्र यहाँ पर कोचिंग लेने आते हैं और इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनने का सपना लेकर यहाँ आते हैं। तो उनके मन में क्या है, क्या है जनता का मूड, हम उन्हीं से बात करते हैं। ये युवा हैं, क्या सोचते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या है इस बार मूड, युवाओं का मूड क्या है कि लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार आनी चाहिए, केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? केंद्र में मोदी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, कहाँ से हैं आप? दौसा से। दौसा से? ये दौसा से हैं, दौसा लोकसभा क्षेत्र है। और यहाँ कोटा किस लिए आए आप? एग्ज़ाम देना है। तो आपको लगता है इस बार मोदी की सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जी, मोदी की सरकार बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए मोदी की सरकार? मोदी की सरकार इसलिए बननी चाहिए क्योंकि मोदी जी बहुत बढ़िया इंसान थे और आगे भी यही वैकेंसियाँ काटते रहेंगे। और अच्छा, आप भी दौसा से हैं? अच्छा भैया, आप कहाँ से हैं? दौसा से सर। आप दौसा से? आप एग्जाम देने आए हैं, यहाँ पर पढ़ने आए हैं। हाँ जी। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे 2019 के, कहाँ किसकी सरकार बनने वाली है केंद्र में? बीजेपी की सर। ऐसा क्यों मानते हैं आप लोग? क्योंकि मोदी अच्छा आदमी, इंसान अच्छा है, वो देश के लिए अच्छा कर रहा है, वो सबके लिए अच्छा कर रहा है। अच्छा, युवाओं की पसंद तो मोदी है, लेकिन और भी लोग हैं जो यहाँ के रहने वासी हैं। आप कहाँ के निवासी? कोटा का ही हूँ। अच्छा, क्या सोचते हैं, शुभ नाम क्या है आपका? सुशील है मेरा नाम। सुशील भाई, क्या सोचते हैं इस बार केंद्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या मोदी सरकार रिपीट होनी चाहिए या कोई बदलाव चाहिए? सरकार तो एक ही होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बैठना चाहिए दिल्ली में भी, क्योंकि इसमें क्या बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा फैल गई है। बच्चे दूर दूर से आ रहे पेपर देने, वो टाइम पे दे नहीं पाते पेपर बेचारे, ट्रेनें लेट हैं, सारी बातें हैं उनके सामने, समस्या आती है बहुत सारी। तो बेचारे भूखे प्यासे इधर घूमते रहते हैं रोडों के ऊपर, उनका इंतजाम नहीं कर पाती है। और बेरोजगारी जितनी फैल रही है, वैकेंसी तो बहुत सारी निकल रही है लेकिन किसी को नौकरी नहीं है, बेरोजगार है सब बच्चे। इनका सुशील जी का कहना है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा जिनको लेकर शायद ये बदलाव चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिम। अच्छा, क्या काम करते हैं आसिम भाई? मैं ऑटो चलाता हूँ सर। अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं, लोगों को एक दूसरे से जगह पहुँचाते हैं। उनकी बातचीत में कभी मूड लगा जनता का मूड क्या है, क्या किस तरह से, क्योंकि आप जो ऑटो में बैठते होंगे पॉलिटिकल बात भी करते होंगे, तो क्या लगता है आपको? जनता का मूड देखो, कभी बीजेपी की तरफ है, कभी कांग्रेस की तरफ है। और ये है कि कांग्रेस राजस्थान का ये है कि हर 5 साल में चेंज होती है। राजस्थान में तो चेंज हो गई, अब केंद्र में क्या है? केंद्र में मेरा अंदाज इस बार कांग्रेस की है। कांग्रेस की है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी या जो प्रियंका गांधी आई है वो उससे कोई फर्क पड़ेगा चुनावों पे, युवाओं पे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो क्या लगता है आप, मौसम बदलेगा? बिल्कुल। जनता का मूड बदलेगा? बदलेगा 100%। तो किसके पक्ष में जाएगा आपको? कांग्रेस के। आपका पक्ष कांग्रेस की तरफ है क्योंकि इनको लगता है कि युवाओं के लिए काफी सारा काम हुआ है। और युवा हैं जो शायद बाहर से आए, ये भी एग्जाम देने। आप कहाँ से आए? करौली से। ये करौली से हैं, दौसा से थे, करौली से थे। क्या लगता है आपको इस बार? इस बार कांग्रेस ही सरकार आएगी क्योंकि मोदी जी ने नोटबंदी करके और बेरोजगारी करके 5 वर्ष में कोई वैकेंसी नहीं निकाली, लोगों को रोजगार भी नहीं मिला और जगह जगह दंगे फसाद जातिवाद का मुद्दा ज़्यादा फैला दिया है, इसीलिए बीजेपी बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, और आपके जो करौली क्षेत्र है, हाँ, वहाँ पर क्या लगता है, वहाँ का जनता का मूड क्या है? वहाँ का जनता का मूड फिलहाल में बीएसपी का विधायक है वहाँ से, लेकिन फिर भी जो है ना तो बीजेपी आएगी, कांग्रेस या बीएसपी ही आएगी। कांग्रेस जहाँ के ये है करौली क्षेत्र के, वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की आने की उम्मीद है, लेकिन देश में इनको भी उम्मीद है कि शायद कांग्रेस आ सकती है। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? ओपी शर्मा। ओपी शर्मा जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड मोदी। ऐसा क्यों? मोदी ने अच्छे काम किए। दो चार गिनाएंगे? दो चार क्या, 10-5 गिनाओ। गिनाइए। गिना, पहला काम तो गरीबों को रोजगार दिया और 10% संरक्षण, जितने भी मतलब नए मजदूर थे सबको 10% दे दिया, कितना लाभ होगा। ये युवा तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। रोजगार तो करने वाला चाहिए, आजकल कोई मजदूर ही नहीं मिलता, ठेकेदार मिलते हैं सारे। कोई मजदूर ही नहीं मिलता, ठेकेदार मिलते हैं सारे। अच्छा, आप रेलवे एम्प्लॉय हैं? नो। आप क्या काम करते हैं?
मैं तो प्राइवेट काम करता हूँ। अच्छा आरक्षण को लेकर जो मोदी सरकार ने किया या राज्य सरकार ने किया, अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किया है और मोदी का नाम जिंदगी भर रहेगा। और भी युवा हैं जो यहाँ शायद देने आए हैं, आप कहाँ से? करौली से। आप पहले वोट दिए हैं या वोट देंगे? नहीं, मैंने फर्स्ट बार दूंगा। ये फर्स्ट टाइम वोटर है, नव मतदाता है, क्या लगता है आपको, क्या सोच के वोट देंगे, किसको वोट देंगे, क्या सोच रहेगी? वोट तो हम कांग्रेस को ही देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी अभी फिलहाल में देखो किसानों के लिए कितनी फसल बर्बादी हो गई, उसके लिए उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। अभी उनको कुछ करना चाहिए ये किसानों के लिए। किसान भाई है जो कि फसल की बर्बादी के, कोई किसान कैसे मेहनत करता है, कोई किसान कैसे मेहनत करता है, कोई अपने बच्चों को कैसे पालता है। मतलब राज्य सरकार की योजनाओं को देखते हुए आप कांग्रेस को वोट देंगे? या बिल्कुल, मतलब जो राज्य सरकार ने 2 महीने में काम किया। वोट उसी के लिए होता है जो कि सबके लिए भला करता है। वोट उसी के लिए होता है जो सबके लिए भला करता है, सबका भला करता है। इनकी नज़र में शायद कांग्रेस ने सबका भला किया। आप कहाँ से? मैं गुलाबपुरा से। गुलाबपुरा से आए, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुलाबपुरा है और वहाँ पर भी भाजपा के ही सांसद हैं। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी सरकार सर। इस बार भी मोदी सरकार? मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मोदी सरकार ऐसी है कि जो भी है ना, मोदी सरकार पिछले से को नहीं देख रही, क्योंकि आधुनिक जो तरक्की है ना उसमें यूवी वीडियो को आगे निकाल रही मोदी सरकार। पिछला ये किसानों का है, कर्ज माफी है, इससे कोई वो इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये मोदी है ना पिछले जो उठा के देखे ना मुद्दे अधिकतर, तो युवा पीढ़ी को आगे निकालती है मोदी सरकार। डिजिटल नहीं बनाती अधिकतर, सारे डिजिटल एरिया सारे तकनीक से जोड़ती है युवा पीढ़ी। अच्छा, तकनीक से जोड़ती है मोदी सरकार, इसलिए इस बार भी मोदी सरकार। और भी युवा हैं, हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और बड़ी दूर है, राजस्थान के एक कोने में कोटा है और ऊपर की तरफ बिल्कुल हनुमानगढ़ है। यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए आए? एग्जाम के लिए? नहीं, एग्जाम है कल आरपीएफ का। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस बार केंद्र में क्या फिर से मोदी? फिर से मोदी आएंगे। कारण क्या मानते हैं? कारण यही है, पूरे देश में, पूरे संसार में मोदी की एक छवि है, वो हमें सबको दिख रही है, पूरे विश्व के अखबार में मोदी का नाम चल रहा है। कोटा में आकर हम युवाओं से जनता का मूड जाने तो शायद हम पूरे राजस्थान का, पूरे भारत का मूड जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर क्षेत्र के युवा हैं। करौली से थे, राजस्थान के दौसा से थे, हनुमानगढ़ से थे, भीलवाड़ा से थे, और जब हम आगे चलेंगे तलमंडी क्षेत्र में चलेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, तो कोई महाराष्ट्र से भी होगा। मतलब पूरा देश का मूड यहाँ पर भापा जा सकता है। तो आइए चलते हैं हम फिर जनता का मूड जानने के लिए। शैक्षणिक नगरी कोटा में जब हम जनता का मूड जानने आए और जानते जानते हम पहुँचे हैं चौपाटी पर, जहाँ पर लोगों का स्वाद का ध्यान रखकर कुछ मसालेदार चटपटे कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं। हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कर खाते समय पॉलिटिक्स की बात भी करते हैं। क्यों भाई, होती है यहाँ पॉलिटिक्स की बात? होती है सर। फिर क्या लगता है आपको जनता का मूड इस समय? बात करते होंगे कि यहाँ लोकसभा इलेक्शन है, मोदी ने ऐसा किया, क्या लगता है यहाँ? अब जनता जानेगी मूड का मामले में तो। अच्छा, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जनता का मूड क्या है, बात करने से कैसा लगता है, या आपके मन में क्या है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे तो केंद्र में किसकी सरकार आने वाली है? मोदी जी की आएगी। आप कोटा से ही हैं या बाहर से आके? कोटा से हैं। तो कोटा के जो सांसद हैं वो भी बीजेपी से हैं, आपको लगता है उनका काम अच्छा है, फिर रिपीट हो सकते हैं यदि उनको टिकट मिलता है तो? मोदी के नाम से ही मोदी मानो आप बस। अच्छा, मतलब मोदी के खुद का काम नहीं, केवल मोदी का काम उनको जिताएगा? हाँ, मोदी जिताएगा। स्थानीय जो सांसद हैं उनका काम शायद इनको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि आने की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मोदी ही जिताएंगे उनको, मोदी के काम से जीतेंगे। हम और भी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं जो चटपटा व्यंजन यहाँ बना रहे हैं, उन लोगों से बात करते हैं। कुछ चटपटा गोलगप्पे पांच पानी खिलाने वाले इन लोगों से पूछ लेते हैं कि जनता का मूड क्या है। कौन आएगा इस बार? मोदी जी आ जाएंगे। अच्छा, क्यों आ जाएंगे? ईमानदार है। अच्छा, ईमानदार हैं। अच्छा भैया, आप लोगों के पास बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ चटपटा खाते खाते पॉलिटिक्स की बात करते होंगे, आप सुनते भी होंगे, क्या लगता है उस जनता का मूड क्या है? जनता का ही मूड है। हाँ, तो वही क्या है, मोदी की तरफ है, मोदी की बात करते हैं कि या राहुल की तरफ? मोदी जी की तरफ। मोदी की तरफ। इधर से मोदी की आवाज़ है, मैं बात कर लेता हूँ।
खाते हुए कि मैम आप भी वोटर होंगे, वोट देते होंगे, आगामी लोकसभा चुनाव में वोट देंगे, क्या लगता है आपको, क्या है जनता का मूड? नहीं, दोनों में कुछ कुछ पॉजिटिव है, कुछ कुछ नेगेटिव है। मोदी जी के काफ़ी अच्छे हैं उनकी जो है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, तो लगता है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि एक बार और टाइम देना चाहिए उनको, रिपीट करके टाइम? बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस में क्या खामियां हैं कि कांग्रेस नहीं आ सकती? नहीं, खामियां तो उनमें भी नहीं है, लेकिन मोदी बेटर है। मोदी बेटर है कांग्रेस में, मोदी बेटर है। हम और लोगों से जो यहाँ पर हैं इस चौपाटी में उनसे बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अतानु बागची। अच्छा वासी साहब, क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड क्या है? मोदी को एक टर्म और देना चाहिए। हमने सब कुछ देखा, इतना सारा स्कैम देखा, और आज की डेट में कोई नेगेटिव मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, और बीजेपी ने हर डिपार्टमेंट, हर फ्रंट पे अच्छा ही काम किया है, तो हिसाब से मोदी को एक टर्म देना चाहिए। अच्छा, आप जयपुर को, मतलब यहाँ राजस्थान में कोटा को ही बिलोंग करते हैं या बाहर से आकर इधर? मैं कोटा में पिछले 15 साल से हूँ, 10-15 साल से। अच्छा, आपको लगता है कि जो यहाँ के सांसद हैं, क्योंकि वो बीजेपी से हैं, तो इस बार मोदी के नाम पर रिपीट हुए हैं या अपने काम के नाम पर? नहीं, बीजेपी ने कोटा को बहुत कुछ दिया है, दो दो फ्लाईओवर दे दिए, और बहुत सारा डेवलपमेंट का काम यहाँ पे चल रहा है, सड़कें भी ठीक है, व्यवस्था दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है, तो एक टर्म तो एमपी को भी देना चाहिए। एमपी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा कुछ है नहीं। एक टर्म एमपी को भी देना चाहिए। मोहतरमा आप 7 दिन से बात करते हैं, मैम क्या लगता है आपको कि मोदी वर्सेज राहुल होगा या मोदी वर्सेज प्रियंका, या चुनाव कैसा रहेगा? ऑब्वियसली द वोट गोज फॉर मोदी ओनली मेजॉरिटी, बिकॉज अगर डेवलपमेंट की बात करें तो नो डाउट द पूरी सिटी को भी दिख रहा है, बहुत क्लियर है, बहुत। हाउ डू यू रेट द मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर? डेफिनेटली इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इराडिकेशन ऑफ द करप्शन एंड डीमोनेटाइजेशन, दो पीपल से दैट जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, बट आई फील सो दैट इट इज हैविंग अ पॉजिटिव। वो अलग बात है, जो आम जनता तक उसको पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट नो डाउट इट इज हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ दवा कड़वी लगती है, लेकिन उसका जो असर होता है वो अच्छा होता है। और हमारे साथ भाई साहब है, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? अमित शर्मा। अमित, क्या लगता है इस बार जनता का मूड क्या है? सर देखिए, जनता का मूड तो ये है कि राजस्थान में जो है बीजेपी ने पिछले 5 साल में फीडबैक उनका बहुत ही नेगेटिव रहा, लेकिन अभी जो जनता ने जो यहाँ का मत किया है, अभी जो विधानसभा चुनाव में लेटेस्ट, वो वसुंधरा के खिलाफ था। जो पब्लिक चाहती है ना, कि पब्लिक ने पहले ही बोल दिया था कि कर्मचारियों ने और यहाँ की जो स्थानीय जनता थी राजस्थान की, उसने उसको जो एक्चुअली जॉब्स वगैरह जो चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं मिल पाई, इसकी वजह से उनका जो धरातल पे जो डेवलपमेंट होना था बीजेपी का, वो प्रॉपर नहीं हो पाया। अच्छा, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। कुछ और साथी हैं, आपका नाम क्या है? रफीक पठान। रफीक भाई, एक चीज़ बताइए, क्योंकि कांग्रेस सरकार अभी राजस्थान में बनी है, कुछ अच्छे काम भी उन्होंने 2 महीने में कर दिए, आपको क्या लगता है जनता का मूड क्या है? जनता का मूड निश्चित तौर पर राजस्थान में, जो 25 सीटें लोकसभा में बीजेपी को आई थी, इस बार नहीं आएगी, और 10 से 12 सीटों पे अटकेगी वो। और जो मेरी सोच है, जो मैं जानकारी रखता हूँ, इस बार देश में जो भारतीय जनता पार्टी 280 सीटें जीत पाई थी, वो उसमें से 100 सीटें निश्चित रूप में पूरे देश में कम होने का पूरा अनुमान है। नहीं, आपको लगता है कि यह जो चुनाव है, यह मोदी वर्सेज राहुल होगा या मोदी वर्सेज प्रियंका गांधी होगा? नहीं, मोदी वर्सेज राहुल तो नहीं होगा, ना प्रियंका गांधी होगा, मोदी वर्सेज विपक्ष होगा। और अगर वोट का रेशियो देखें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, वो मात्र 31% वोट शेयर लेके प्रधानमंत्री बने थे। 69% पहले भी उनके खिलाफ था, और 5 साल में उनका नूर उतर चुका है, जनता ने उनको बहुत अच्छे से देख लिया है। उन्होंने जो काम किए, मैं कह रहा हूँ काम अच्छे किए हैं, ये मानते तो हैं, थोड़ा सा मानते हैं कि मोदी ने काम अच्छे किए, लेकिन उतने नहीं किए। और एक और साथी हैं, आपका शुभ नाम? सलीम शेरी। सलीम शेरी, एक चीज़ बताएं कि रामलला या ममता का जो अभी हुआ, इन सब चीज़ों को क्या लगता है, ये सब इशू होंगे, और जो राजस्थान सरकार ने जो हाल ही में जो काम किए हैं, इन दोनों को देखते हुए वोटिंग होगी? मोदी जी को इतना स्पष्ट बहुमत मिला, उसमें ही रामलला मंदिर नहीं बना। अब मोदी जी को इतना स्पष्ट बहुमत तो मिलेगा नहीं, अब जनता बेवकूफ़ तो बनेगी नहीं कि उनने कि भाई के रामलला का मंदिर बन जाएगा। लगभग मोदी जी की इस बार लगभग 100 सीटें कम आएंगी।
साथी और भी हैं, आप आपका नाम बताएं। जोहेब हैदर नाम है मेरा। जोहेब भाई एक चीज़ बताइए, जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा कि वोट किसको देना है और क्यों देना है? जी मन में तो बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने पहले सरकार चुनी थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी इस गवर्नमेंट को लेकर, वो पूरी तरह से हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी है। तो इस बार बहुत सोच समझ कर और लास्ट टाइम तक हमारे को सोचना पड़ेगा वोट देने से पहले, तो लास्ट टाइम पर ही हम डिसाइड कर पाएंगे। जब जब ये ईवीएम के बटन दबाएंगे तभी इनके दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे किसको। मेरा डिसीजन लास्ट टाइम तक रहेगा। लास्ट टाइम डिसीजन रहेगा। आपका शुभ नाम क्या है? अखिल हुसैन। अखिल भाई बताइए कि आपका मत किस तरह से किस मुद्दे पर किसको जाएगा, जनता का मूड क्या होगा? जनता का मूड तो कांग्रेस को जाए। क्यों होगा? बीजेपी ने जो इस तरह का माहौल बना रखा है सांप्रदायिक तक का, इस वजह से ये माहौल को खत्म करने की वजह से। और अच्छा सांप्रदायिक तो एक अलग चीज होगी, काफी सालों से चली आ रही है, तो बीजेपी से ज्यादा हो रहा है ना बीजेपी की वजह से। अच्छा बीजेपी की वजह से चलो मान लेते हैं। क्या प्रियंका गांधी का राजनीति में आना युवाओं को कांग्रेस की तरफ ले जाएगा? हाँ ले जाएगा, सही है। वो तो यूपी में काम कर रही है तो उससे फर्क तो पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, यदि राजस्थान में आई तो राजस्थान का युवा भी कांग्रेस की तरफ जाएगा? जाएगा बिल्कुल, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और हमारे साथी यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करते हैं। सरदार साहब आपका नाम बताएं। अमरीक सिंह। अमरीक सिंह साहब एक चीज़ बताइए कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, जो तीन स्टेट में हुए उनमें कांग्रेस की सरकार आई है, अब क्या लगता है जनता का मूड क्या है? भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल सफल राज करेंगे मोदी जी। ये जनता का मूड है। और कोटा की जनता का मूड क्या होगा? हैं? कोटा की जनता का मूड? कोटा का मूड भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में विधायक सांसद चुन के जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आपने कहा सांसद चुन के जाएगा, जो यहाँ के सांसद हैं ओम बिरला, उनके काम की वजह से चुनेंगे या मोदी के नाम की वजह से चुनेंगे? दोनों के काम की वजह से। मोदी जी की छवि मोदी जी की है, ओम जी की छवि ओम जी की है, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का पूरा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाएगी। देख लीजिए करकरारी बात है, जिस तरह से यहाँ पर ये करकराते हुए करारे गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं, उसी तरह से कुछ करारी बातें भी निकल कर आ रही है। और लोग हैं जिनके साथ हम बात करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये एक चौपाटी है जहाँ पर सब तरह के लोग हैं, हर धर्म के, हर मज़हब के, हर समाज के, हर विचारधारा के लोग हैं, हम बात करते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुधांशु है। सुधांशु एक चीज़ बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर जब वोट करने जाएंगे तो मन में किस तरह के मुद्दे होंगे? देखिए सीधी सी बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। विकास में हर तरह की चीज़ें आती हैं, रक्षा के क्षेत्र में विकास हो, सड़क निर्माण हो, विद्युत उत्पादन हो, गरीबों को जो है उनके 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 लिए विकास योजनाएं हो, रोजगार की बात है, तो ये सारे मुद्दे जो हैं विकास के अंतर्गत जितने ही मुद्दे। अच्छा विकास के मुद्दे तो हो गए, तो आपको क्या लगता है जनता का मूड क्या होगा? देखिए जनता के मूड के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मूड तो यह है कि मोदी सरकार ने पिछले लगभग 4.5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी दोबारा जो है वो केंद्र में सरकार बनाएंगे। और कोटा की जनता का मूड? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जनता के मूड के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अगर अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो कोटा में भी मुझे लगता है कि इस बार वापस मोदी लहर चलेगी, कोटा में नहीं पूरे देश में चलेगी, और अधिकतम जैसे पिछली बार बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी अपनी सरकार बनाएंगे। एक बात और निकल के आ रही है, दर्शकों ने सुनी भी होगी कि मोदी लहर की वजह से जो सांसद हैं वो शायद दोबारा आ सकते हैं। हम और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं चौपाटी में हैं। भाई साहब स्वाद कैसा लग रहा है इस आलू टिक्के का? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा करकराता मूड अच्छा हुआ आपका? हाँ मूड अच्छा हुआ। तो जनता का मूड भी बता दीजिए कि जनता का मूड कैसा है आगामी चुनाव को लेकर? जनता का मूड का तो कुछ कह नहीं सकते। आपका मूड कैसा है आगामी चुनाव को लेकर? हमारा मूड तो बढ़िया है। किसके पक्ष में जा रहा है? मोदी के पक्ष। मोदी जी के पक्ष में क्यों? क्योंकि जो भी विकास के कार्य हुए ना, रोड का है, अभी जैसे पहले किया था कोई टारगेट रहता था ना, वो एक किसी काम के लिए कहते थे 5 साल का टारगेट रहता था, 15 साल में होता था काम। रोड 5 साल में बनना होता था, 20 साल में बनता था, उसकी कॉस्ट 4 गुना हो जाती थी। आप कहाँ को बिलोंग करते? मैं तो अभी तो यही कोटा को ही बिलोंग करता हूँ। यूँ आए कोटा से, कोटा में काम करने के लिए आए? जॉब करता हूँ। कहाँ से? यूँ मूलतः कहाँ से? मूलतः तो यूपी के, पर अभी तो कोटा में 25-30 साल। अच्छा यूपी का, यूपी में आपके रिलेटिव भी होंगे, वहाँ की बात जब होती होगी तो क्या लगता है वहाँ का मूड क्या है? वहाँ भी अभी ऐसा ये मिक्स है, वैसे मोदी जी की लहर है, वहाँ पे भी मोदी जी की लहर है। इनके जो रिलेटिव है वो बताते हैं कि वहाँ पे भी और लोग हैं यहाँ पर जो इस चटपटे स्वाद का मजा ले रहे हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस चुनाव में
आगामी जो लोकसभा चुनाव है उनमें किस तरह का मूड जनता का रहने वाला है? बस अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कहती है कोटा की जनता? सर वैसे तो मैं कोटा से नहीं हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर से हूँ। जोधपुर की जनता, मान लीजिए कि जोधपुर की जनता का मूड क्या होगा, आप यहाँ पर आएंगे तो दोनों का मूड पहचान चुके होंगे कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि वही गवर्नमेंट कंटिन्यू रहे। आखिर क्यों, कौन कौन से मुद्दे अच्छे लग रहे हैं? जो डेवलपमेंट है राजस्थान का और GST के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी जो एक्शंस लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी एक्शंस लिए हैं उसके बेसिस पे ये डेवलपमेंट आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। डेवलपमेंट कंटिन्यू रहने चाहिए। हम और बात करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो स्वाद चख रहे हैं उन लोगों से बात कर लेते हैं जो निश्चित रूप से जोधपुर के होंगे। आप भी जोधपुर के? जोधपुर से हूँ मैं भी। जोधपुर के हैं और जोधपुर क्यों फेमस है राजस्थान में आप सब जानते हैं। आपके जोधपुर के मुख्यमंत्री जी हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है उनके नेतृत्व में। अब लोकसभा चुनाव को लेकर आपके मन में क्या है, जनता का मूड क्या है, आपका मूड क्या है? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए तो आप किसको चुनेंगे? मोदी सरकार को ही चुनेंगे। तो राहुल को, प्रियंका को क्यों नहीं? नहीं, देश के, जब देश का विकास करना है तो वही होना। देश और देश का विकास करना हो तो मोदी जी। मैं और यहाँ पर है इनसे भी बात करता हूँ कि आपका मूड भी हम जानना चाहेंगे। मेरा मूड तो मोदी सरकार के साथ ही है। ऐसा क्यों? विकास के साथ। अच्छा, यूथ आइकॉन हो गए मोदी इसलिए या वास्तव में डेवलपमेंट में है? यूथ आइकॉन तो है वो मोदी जी, इसलिए। तो देखा आपने इस चौपाटी पर जो अपना मूड बदलने आया है स्वाद के जरिए, उन लोगों का भी यही कहना है कि आने वाले चुनाव में शायद कोटा की, और जो लोग बाहर के हैं उन लोगों का कहना है कि शायद मोदी वापस आ सकते हैं। हम आगे और चलेंगे जहां पर हमें पूरे देश के स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टूडेंट जो यहां पर पढ़ने आते हैं उनसे जानेंगे, क्योंकि यदि उनका मूड हमने भांप लिया तो शायद पूरे भारत का मूड हम भांप सकते हैं कि जनता का मूड आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा। आइए चलते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंच गए हैं तलमंडी में। तलमंडी जो यूँ कह सकते हैं कि एजुकेशन हब है कोटा का, और यहाँ पर पूरे देश के स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ पर PET, PMT और IIT मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग करने के लिए आते हैं ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से हुई और नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि यादव, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो क्या लगता है इस बार जो लोकसभा इलेक्शन होंगे तो उसमें क्या मूड रहने वाला है युवाओं का या जनता का? सर कोटा के अगर मतलब बारे में कहें तो कोटा से भाजपा नहीं मतलब जीतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मतलब कोटा को आगे ले जाए। अच्छा, और छत्तीसगढ़ के बारे में पूछें तो? छत्तीसगढ़ के बारे में भी सर मतलब कुछ ये स्थानों पे भाजपा अच्छा काम कर रही है और कुछ स्थानों पे कुछ भी नहीं कर रही है, तो एक मतलब मिला जुला सा कह सकते हैं कि ना ही पूरा भाजपा है ना ही पूरा छत्तीसगढ़। अब जैसे इस साल ये छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को बहुत ही मतलब बहुत बड़ी सफलता मिली है, वो इसीलिए कि लोग अब थक चुके थे भाजपा से क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे और जो भी काम होने। अच्छा, इनके हिसाब से न छत्तीसगढ़ में न कोटा में शायद भाजपा नहीं रिपीट होगी। आप कहाँ से हुए? जी मेरा नाम कृष्णा कुमार भार्गव है, मैं बिहार से हूँ। ये बिहार से हैं और जैसा मैंने कहा कि यदि यहाँ पर लोगों का मूड भांप लिया तो पूरे देश का मूड भांपा जा सकता है, तो बिहार में क्या मूड है इस समय? बिहार में देखिए मेडिकल स्टूडेंट के लिए उतना कुछ खास नहीं किया गया है, मेडिकल सीट कई सालों से जितना है उतना ही रह रही है, कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, इसलिए बिहार का स्टूडेंट थोड़ा नाखुश है मोदी सरकार से, क्योंकि अभी NDA की सरकार चल रही है वहाँ पे, मोदी सरकार यानी कि नीतीश कुमार भी हैं और उनके NDA घटक सुशील मोदी भी हैं, फिर भी सरकार के द्वारा से कोई मेडिकल सीट का इंक्रीजमेंट नहीं किया हुआ है। तो इस लोकसभा चुनाव में जो आपके भी दोस्त होंगे बिहार के, क्या सोचते हैं कि मोदी वापस आएंगे या राहुल गांधी प्रियंका का मौका मिलेगा, क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल से मोदी को ही जाएंगे क्योंकि उन्होंने ओवरऑल इंडियन लेवल पे एम्स का सीट को बढ़ाया है, एम्स यानी मेडिकल स्टूडेंट के लिए एम्स का गठन किया है जिससे कि मेडिकल स्टूडेंट को थोड़ा सा राहत मिलेगा। मोदी ने राहत दिए, केंद्र सरकार ने राहत दिए, हालांकि इनके बिहार में NDA सरकार ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया स्टूडेंट के लिए। भैया आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। आप भी बिहार से? तो क्या लगता है इनका मत तो NDA के खिलाफ जा रहा है, आप क्या कहते हैं, जनता का मूड क्या है बिहार में? एक्चुअली मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, असल में हम लोग को देखना चाहिए डेवलपमेंट,
एजुकेशन में डेवलपमेंट, हेल्थ में डेवलपमेंट अगर ये गवर्नमेंट करती है, इन पर काम करती है, तो उन गवर्नमेंट को बिल्कुल चुनना चाहिए। जैसा कि अभी देखा गया है कि नीतीश कुमार जब तक थे, इंडिविजुअली जब तक चलाए उन्होंने सरकार, तो वहाँ की रोड काफ़ी अच्छा हुई, वहाँ पर एजुकेशन भी सही हुआ, लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो पाया जो कि अभी जितना होना चाहिए। तो ये था बिहार का और बिहार के पढ़ने वाले कोटा में इन स्टूडेंट्स का जो जनता का मूड बता रहे हैं।